محمد صلى الله عليه وسلم. سيد ميرا حسين زنجاني رحمة الله عليه. सैयद मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह ईरान के तारीखी शहर जंजान में पैदा हुए और तालीम और तरबियत भी जंजान में ही हासिल की। कुरान पाक की तालीम के बाद तफसीर, हदीस और फिक्हा की बुनियादी तालीम हासिल की। आपका हस्ब नस्ब मुतअद्दिद वास्तों से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गरामी सैयद अली महमूद रहमतुल्लाह अलैह आलिम बामल और इबादत गुजार इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजदा मरियम सुगरा भी जहद तकवा और सौम सलात की पाबंद खातून थी। यही वजह थी कि जहद तकवा, सौम सलात और शरई उसूलों की पाबंदी आपको विरासत में मिली थी। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीकत नौ वास्तों से सैयदना अली मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम से जा मिलता है। अपने शेख से कस्बे फैज के बाद खिलाफत अता हुई और तबलीग इस्लाम की खातिर अपने शेख कामिल के हुक्म से लाहौर तशरीफ ले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में कयाम के दौरान इस्लाम का नूर घर घर पहुंचाया। बंदगाने खुदा को गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्श दिया, भूले भटकों को सीधा रास्ता दिखाया, कुफर और शिर्क को मिटा दिया, बुतपरस्तों को हक परस्त बना दिया, यहाँ के लोगों को इस्लामी नजरिया हयात से रूशनास कराया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 44 साल लाहौर में कयाम फरमाया। आपका मजार मुबारक शिमाली लाहौर के इलाके चाहमीरा में आज भी मुरज्जा खलाइक है। आपका उर्स मुबारक हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी हफ्ते में हफ्ता और इतवार के रोज मुनक्किद होता है।